डांस है जो हमने किया. एक्चुअली ये पहली बार मैं एज पद्मावती में सेट पे गई एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी शॉट. तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था बिकॉज आई वॉज जस्ट अबाउट गेटिंग टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर. जो मेरा किरदार है वो क्या है, वो कैसे नाचती है, वो कैसे देखती है, वो क्या बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैनरिज्म्स क्या है. एंड आई वॉज स्ट्रेट अवे थ्रोन इन टू द सॉन्ग. वो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए. एंड आई थिंक द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग इज द फैक्ट कि आप सबने गाना देखा होगा, जो बारीकी से जो स्टेप्स हम करते हैं इसके अंदर, द हिप मूवमेंट, द हैंड, इट्स नॉट व्हाट वी ट्रेडिशनली यूज्ड टू सीइंग. दे आर नॉट बिग स्टेप्स, दे आर नॉट लाउड स्टेप्स, इट्स नॉट लाइक लचक एंड इट्स वेरी फ्रेजाइल, इट्स वेरी डेलिकेट. बट एट द सेम टाइम उस इमोशन को इमोट करना या एक्सप्रेस करना या ऑडियंस तक पहुँचाना, वो बहुत बहुत ही मुश्किल एक्सपीरियंस था मेरे लिए. आपको मालूम है कि घूमर डांस में आपने कितनी बार घूमा है, मालूम है? तो देखिए, हम लोग एंटरटेनमेंट के बाप ये बताना चाह रहे थे, जताना चाह रहे थे, इसलिए आप भी बोलिए फीवर 104 FM. फीवर 104 FM. बोलिए एंटरटेनमेंट का बाप. फीवर 104 FM एंटरटेनमेंट का बाप. क्या बात